हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ नया लेके आए हैं। मींस आज का वीडियो कोई लेक्चर वीडियो नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको हमारे मेडिसिनल गार्डन विजिट कराने वाले हैं। मींस आज के इस वीडियो में हम हमारे मेडिसिनल गार्डन में जो जो भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं उसको दिखाएंगे और उसके मेडिसिनल यूजेस के बारे में बताएंगे एक एक करके। तो आइए चलते हैं हमारे मेडिसिनल गार्डन में। तो हमारे मेडिसिनल गार्डन का ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसको हम ब्राह्मी बोलते हैं, और इस ब्राह्मी का जो बॉटनिकल नेम होता है वो है सेंटिला एशियाटिका, जो कि अम्बेलीफेरी फैमिली को बिलोंग करता है। तो आइए इसको और पास से देखते हैं और इसके मेडिसिनल यूजेस के बारे में जानते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ये प्लांट पूरा फैला हुआ है जमीन पे, इसलिए ये क्रीपिंग प्लांट की कैटेगरी के अंदर आता है। इस प्लांट के लीव्स को ऐसा वेजिटेबल यूज करते हैं और ऐसा मेडिसिनल हर्ब भी यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी बहुत सी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, मीन्स औषधि गुण होते हैं। तो क्या क्या इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है तो आइए जानते हैं। तो इसको यूज किया जाता है एज अ नरवाइन टॉनिक, नरवाइन टॉनिक कह सकते हैं या ब्रेन टॉनिक बोल सकते हैं। मीन्स ब्रेन को ये शार्प करता है, मेमोरी को बूस्ट करता है, मीन्स मेमोरी को इम्प्रूव करता है, एनहांस करता है, इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा ये एंटी एंजाइटी प्रॉपर्टी होती है इसकी, मतलब एंजाइटी को दूर करता है, एंजाइटी को कम करता है, एंटी स्ट्रेस एक्शन भी होता है, मीन्स स्ट्रेस को भी कम करता है, और ये ब्लड प्यूरिफायर भी होता है, मीन्स ब्लड को प्यूरिफाई करता है और डाइजेस्टिव पावर को भी इम्प्रूव करता है इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के अलावा, और ये स्किन क्वालिटी को भी बढ़ाता है और डिफरेंट स्किन डिसीज में भी इसको यूज किया जाता है। तो इस ब्रह्मी को जल ब्रह्मी या गोटू कोला भी कहा जाता है, और संस्कृत में इसको हम मंडूक पर्णी भी बोलते हैं। संस्कृत में मंडूक मतलब होता है मेढक और पर्णी मतलब होता है लीव्स। तो मंडूक पर्णी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो शेप आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस ब्रह्मी का जो लीफ का शेप है वो मेढक मीन्स फ्रॉग के पैर मीन्स फीट के जैसा दिखता है। तो इसी कारण से इस ब्रह्मी का संस्कृत में नाम पड़ा मंडूक पर्णी, और इसको इंग्लिश में इंडियन पेनी वॉर्ट भी बोलते हैं। और माना जाता है गोटुकुला मीन्स इस ब्रह्मी के दो तीन पत्तियों को अगर चबाया जाए, खाया जाए दिन में एक बार या दिन में दो बार, तो डिफरेंट लीवर से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उससे रिलीफ दिलाता है। तो डिफरेंट जो हमने यहाँ पे मेडिसिनल यूजेस बताया तो वो किसकी वजह से होता है, इसमें जो डिफरेंट केमिकल्स पाए जाते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसकी वजह से। तो इसमें जो मेन केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है वो पेंटासाइक्लिक ट्राइटर्पिनॉइड कैटेगरी का होता है, जिसका नाम है एजियाटिकोसाइड और मेडिकोसाइड। इसी की वजह से इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, और इसका जो टेस्ट होता है वो बीटर स्वीट टेस्ट का होता है। तो ये हो गया ब्रह्मी के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट जो आप ये प्लांट देख रहे हैं, आप सभी ने ये प्लांट को देखा होगा, ये प्लांट है पपाया का, मीन्स पपीते का ये पौधा है। और ये जो प्लांट है, इस प्लांट का जो बॉटनिकल नेम होता है वो है कैरिका पपाया, जो कि कैरिकेसी फैमिली को बिलोंग करता है। तो आइए जानते हैं इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में। और ये जो आप देख रहे हैं इसमें अभी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं हुई है। तो ये जो पपाया का जो फ्रूट होता है मीन्स जब वो अनराइप होता है, मीन्स जब कच्चा होता है, तो कच्चा पपीता के सरफेस में जब हम चीरा लगाते हैं तो व्हाइट कलर का मिल्की लिक्विड निकलता है और उसको हम लेटेक्स बोलते हैं। तो ये जो लेटेक्स होता है ये सोर्स होता है पपेन का। पपेन क्या है, पपेन एक तरीके का एंजाइम है जो कि उस लेटेक्स में व्हाइट लिक्विड में प्रेजेंट होता है, और ये इसकी प्रोटियोलाइटिक प्रॉपर्टी होती है। प्रोटियोलाइटिक मतलब कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। इसके अलावा इसको हम अप्लाई करते हैं टॉपिकली, इसको यूज किया जाता है कट्स, रैशेस और बर्न्स में इसको अप्लाई करते हैं, और इसको स्वेलिंग को रिड्यूस करने में, स्किन एलर्जीज एक्ने को रिड्यूस करने में इसके फ्रूट को यूज किया जाता है। पपीते के जो फल है इसकी स्किन एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टी होती है, तो डिफरेंट स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी हम इसको यूज करते हैं। पपाया जो है, पपाया का जो फ्रूट है वो विटामिन ए, विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, नियासिन, एस्कॉर्बिक एसिड, बीटा कैरोटीन, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के विटामिन और मिनरल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे आईज के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट हमारे मेडिसिनल गार्डन में जो प्लांट है, ये प्लांट आप सभी ने देखा होगा और ऑलमोस्ट सभी ने खाया भी होगा, ये है पान,
इसको हम पान बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बिटल लीफ कहा जाता है। और ये इस प्लांट का जो बॉटनिकल नेम होता है वो है पाइपर बिटल, जो कि पिपरेसी फैमिली को बिलोंग करता है। तो आइए अब जानते हैं इसके मेडिसिनल यूजेस के बारे में, और इसको जूम करके देखते हैं इसका लीफ कैसे दिखता है। तो ये जो पान का पत्ता है मीन्स बीटल लीफ है, तो जैसा आप जानते हैं इसको एज अ माउथ फ्रेशनर यूज किया जाता है, और इस पान के पत्ते को हम खाना खाने के बाद इसको चबाते हैं, इसको खाया जाता है। तो साइंटिफिकली ये क्या करता है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है, और अगर इनडाइजेशन हुआ है, डाइजेशन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, तो उसको भी शरीर भी रिलीफ दिलाता है। ब्लोटिंग है मीन्स पेट फूला हुआ लगना, पेट भरा सा लगना इनडाइजेशन की वजह से, तो ऐसे प्रॉब्लम को भी वो ठीक करता है। और आयुर्वेदा में इसके बहुत से मेडिसिनल यूजेस को मेंशन किया गया है, इस कफ को ठीक करने में, जो इसका लीफ के जूस है उसको अस्थमा में, या सोर थ्रोट हो गया है उसको ठीक करने में इसको यूज किया जाता है, हेडेक या अर्थराइटिक जॉइंट पेन है तो उसको ठीक करने के लिए, पेन इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग ये सब ठीक करने के लिए इस पान के पत्ते को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा मेडिसिनल प्लांट है, इसको बोलते हैं निरगुंडी, और इस निरगुंडी प्लांट का जो बॉटनिकल नेम होता है वो है वाइटेक्स नेगुंडो, जो कि वर्बिनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। और इसके ड्राइड लीव्स और फ्लावर्स को ऐसा मेडिसिनली यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं इसका जो लीफ है ये ग्रेइश ग्रीन कलर का होता है, और इसका जो ऑर्डर है वो पेपर लाइक होता है, एरोमेटिक होता है। उसका जो स्वाद है, उसका टेस्ट है बीटर होता है, मीन्स कड़वा होता है। ये श्रब की कैटेगरी के अंदर आता है, लगभग 2 से 3 मीटर इसकी हाइट होती है। इसका जो बार्क होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और इसका जो लीफलेट होता है, ये लीफलेट्स का जो पैटर्न होता है ये 5 होते हैं, लेंसियोलेट होता है। और इसके अंदर जो मेन केमिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो कहलाता है वाइटेक्सिन और आइसोवाइटेक्सिन, जिसकी वजह से इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। तो लीफ जो होता है उसको बेसिकली यूज किया जाता है जॉइंट्स में अगर स्वेलिंग हो गया है, जैसे कि रूमेटिज्म में जो जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाता है, तो उससे रिलीफ दिलाने के लिए। एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि पेन से भी रिलीफ दिलाता है ये। एंटीफंगल प्रॉपर्टी होती है, मीन्स फंगस से भी रिलीफ दिलाता है। वर्मी फ्यूज होता है, मीन्स वर्म्स हो है तो वर्म्स को भी हमारे बॉडी से रिमूव करता है। और इस निरगुंडी के लीफ को ऐसा हर्बल टी प्रिपरेशन में भी यूज किया जाता है। निरगुंडी का जो लीफ होता है ये बहुत अच्छा इंसेक्ट रिपेलेंट होता है, मीन्स इंसेक्ट को रिपेल करता है, इंसेक्ट्स को दूर भगाता है, तो इसकी बहुत अच्छी इंसेक्ट रिपेलेंट प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट जो आप ये प्लांट देख रहे हैं इसको काल मेघ बोला जाता है, और इसको कॉमनली भुई नीम के नाम से जाना जाता है। इसके लगभग होल प्लांट को हम यूज़ करते हैं मेडिसिनली, और इसके जो प्लांट का बॉटनिकल नेम होता है वो है एंड्रोग्राफिस पेनुकुलाटा, जो कि एकेंथिसी फैमिली को बिलोंग करता है। और इस प्लांट को किंग ऑफ बीटर भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो प्लांट है ये बहुत ही कड़वा होता है। तो आइए इस प्लांट को और पास से देखते हैं और इसके मेडिसिनल यूजेस के बारे में जानते हैं। तो इस प्लांट के एरियल पार्ट को, मेनली इसके स्टेम्स और लीव्स को कलेक्ट किया जाता है, और इसको ड्राई करके इसको यूज किया जाता है डिफरेंट मेडिसिनल पर्पस के लिए। इसको हम लगभग कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर टू दिसंबर, और जैसा हमने आपको बताया इसका जो लीफ होता है, जो प्लांट है ये बहुत ही कड़वा होता है, इसलिए इसको किंग ऑफ बीटर कहा जाता है। बीटर मीन्स कड़वा, और ये जो प्लांट है लगभग 1 मीटर हाइट का होता है। इसको ऐसा बिटर टॉनिक यूज किया जाता है, स्टमकिक होता है, मीन्स भूख बढ़ाने के लिए इसको, इस कालमेघ को हम यूज करते हैं। डाइजेशन में हेल्प करता है, स्टमक को टोन करता है, मीन्स स्टमक के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। और फेब्रीफ्यूज भी होता है, मीन्स फीवर को भी कम करता है, रिड्यूस करता है। और इस प्लांट को डिसेंट्री को ठीक करने के लिए भी यूज किया जाता है, डिसपेप्सिया को ठीक करने के लिए, मीन्स अपच अगर हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए भी यूज किया जाता है। एंटी टाइफाइड एंटीबायोटिक टाइप एक्टिविटी होती है, इसको एंटीबायोटिक की तरह काम करता है हमारे बॉडी में। और ये जो प्लांट है ये हिपेटो प्रोटेक्टिव होता है, मीन्स ये हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, लीवर को ये प्रोटेक्ट करता है और लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। लीवर और गॉल ब्लेडर हो गया है उसको प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से जॉन्डिस में इस कालमेघ को यूज किया जाता है। तो इसके अंदर जो मेन केमिकल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसकी डिफरेंट जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है
वो है डाई टर्पिनॉइड लैक्टोन, जिसका नाम है एंड्रोग्राफोलाइड, और इसमें कालमेघिन प्रेजेंट होता है। ये मेन केमिकल्स हैं, बाकी इसके अलावा और भी अदर केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट होते हैं इस कालमेघ में। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये एलोए का प्लांट है, और इस प्लांट का बोटनिकल नेम होता है एलोवेरा, कह सकते हैं एलोए बारबाडेंसिस, जो कि लिलिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। इस प्लांट को हम घृत कुमारी या मुसब्बर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, इसके जो पल्प से जो एलोए जूस बनाया जाता है, उस एलोए जूस को फ्रेशली यूज करते हैं, या उसको ड्राई करके यूज किया जाता है, या इसके जूस को हम यूज करते हैं इंटरनली, मीन्स को ओरली लिया जाता है कॉन्स्टिपेशन, मतलब कि कब्ज को ठीक करने के लिए, क्योंकि इसका पर्गेटिव एक्शन होता है, पर्गेटिव प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर जो रेजिन होता है, रेजिन में जो एलोएसिन होता है, उसकी वजह से इसका पर्गेटिव एक्शन होता है। और इस प्लांट के लीफ के जूस को और जेल को यूज किया जाता है। जब हम इस लीव्स को इस तरीके से तोड़ते हैं तो आप ये थिक जो विस्कस लिक्विड जो देख रहे हैं, थिक विस्कस जो लिक्विड है, ये जेल लाइक जो देख रहे हैं, ये इस एलोवेरा लीफ का जेल है। तो एलोए जेल है, इसको हम एक्सटर्नली यूज करते हैं, मीन्स उसको स्किन पे अप्लाई किया जाता है, ऑइंटमेंट, क्रीम और डिफरेंट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में इसको यूज किया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, इस एलोए जेल को डिफरेंट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स या हेयर केयर प्रोडक्ट्स में हम इसको यूज करते हैं। और इसके अंदर जो पल्प होता है, इस पल्प को ऐसा ग्राइंड करके इसका जूस बनाया जाता है। तो एलोए जेल और एलोए जूस दोनों को यूज किया जाता है मेडिसिनली। तो डिफरेंट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में इसके थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन की वजह से इसको यूज किया जाता है, इसके एलोए जेल को। इसकी बहुत अच्छी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। इस एलोए जेल जो है ये डेड टिश्यूज को रिमूव करता है हमारे स्किन से, और जो फ्रेश जेल होता है वो उसको हम एक्सटर्नली यूज करते हैं, वुंड हो गया या बर्न हो गया उसको ठीक करने के लिए, या स्किन में इरिटेशन हो रहा है, सन बर्न हो गया है, या वुंड है, मींस चोट लग गया है, घाव है या एक्जेमा है, उसको ठीक करने के लिए भी यूज किया जाता है, या स्किन में पेन या इचिंग हो रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए, सोरियासिस, एक्ने हो गया है, डर्मेटाइटिस, अल्सरेशन हो रहा है स्किन में, तो उसको ठीक करने के लिए भी हम एलोए जेल या एलोए जेल के प्रिपरेशन को यूज किया जाता है। मसाज थेरेपी के लिए भी हम स्किन के मसाज थेरेपी के लिए भी एलोए जेल को यूज करते हैं। डिफरेंट स्किन कॉस्मेटिक्स में इसको एज अ प्रोटेक्टिव भी इसको यूज किया जाता है। एंटी रिंकल प्रॉपर्टी होती है, स्किन में सूदिंग प्रॉपर्टी शो करता है, और सेल को रीजनरेट करता है, मीन सेल रीजनरेशन को स्टिमुलेट करता है। तो एलोए के अंदर क्या मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है? तो मेन केमिकल्स जो है इसके अंदर जो होता है वो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड की कैटेगरी के अंदर आता है, जिसका नाम है एलोइन। तो एलोइन क्या होता है? ये मिक्सचर ऑफ ग्लूकोसाइड्स है, जिसके अंदर मेन जो केमिकल होता है वो है बार्ब एलोइन। इसकी वजह से इसकी मेनली केमिकल प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट, जो आप ये प्लांट देख रहे हैं ये सर्पगंधा का प्लांट है, इसको छोटा चन भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको रॉल्फिया बोलते हैं। तो इस प्लांट का जो बॉटनिकल नेम होता है वो है रॉल्फिया सर्पेंटिना, जो कि एपोसाइनेसी फैमिली को बिलोंग करता है, मीन्स इस प्लांट की फैमिली है एपोसाइनेसी। तो इस प्लांट के कौन से पार्ट को हम यूज करते हैं मेडिसिनली? इसके रूट को यूज किया जाता है, मीन्स जड़ को यूज करते हैं हम, जड़ को हम कलेक्ट करते हैं, इसको ड्राई किया जाता है, और इसको फिर मेडिसिन, एज अ मेडिसिन हम यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लीव्स है इस प्लांट का, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्लावर बड है, फ्लावर है इस प्लांट का, और इस प्लांट में फ्लावरिंग के बाद फ्रूटिंग जो होती है वो फ्रूटिंग जस्ट लाइक बेरी होता है, ग्रीन बेरीज होता है, और वो पकने के बाद एक पूरा ब्लैक कलर का बेरी के फॉर्म में होता है। और लगभग 3 से 4 साल पुराने इस प्लांट को यूज किया जाता है, मतलब कि 3 से 4 साल पुराना हो जाने पे इस प्लांट को हम उखाड़ के इसकी जड़ को हम कलेक्ट कर लेते हैं, उसको कट किया जाता है छोटे छोटे पीसेस में, उसको वॉश करते हैं मिट्टी हटाने के लिए, और उसको फिर एयर ड्राई कर लिया जाता है, और उसके बाद उस रूट को यूज करते हैं। तो इसका जो रूट है आप देख सकते हैं ग्रेइश ब्राउन कलर का होता है, ऑर्डरलेस होता है, मतलब कि इस रूट में कोई ऑर्डर नहीं होता है, और ये बीटर होता है, मींस कड़वा होता है। इस प्लांट को सर्पगंधा नाम क्यों दिया गया है? तो सर्प मतलब होता है सांप, मतलब कि स्नेक होता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं इस सर्पगंधा का जो रूट का जो शेप है, इट्स जस्ट लाइक द शेप ऑफ स्नेक, सांप की तरह ये वेवी इस तरीके से है, इसी कारण से इसको हम सर्पगंधा बोलते हैं। तो इसकी जो रूट है इसके अंदर क्या मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं? मेन केमिकल होता है रेजरपीन एंड एजमेलिसिन। तो रेजरपीन जो होता है ये अल्कोलॉइड होता है, इंडोल अल्कोलॉइड होता है, और इस रेजरपीन की वजह से ही इस रॉल्फिया की रूट की एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एंटी हाइपरटेंसिव मतलब की हाइपरटेंशन
के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। मीन्स ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। मीन्स रॉल्फिया के रूट को यूज किया जाता है माइल्ड एसेंशियल हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा इसको माइल्ड एंजाइटी की कंडीशन अगर होती है तो उसको ठीक करने के लिए भी यूज किया जाता है। इसमें जो एजमेलिसिन प्रेजेंट होता है वो एजमेलिसिन सर्कुलेटरी डिसीज को ठीक करने के लिए उसको यूज किया जाता है। तो ये हो गया सर्पगंधा के बारे में। तो ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये पूरा हमारा मेडिसिनल गार्डन है और इसकी बाउंड्री में आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा अपराजिता का प्लांट जो है ये फैला हुआ है। आइए चलते हैं नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट। जो ये मेडिसिनल प्लांट आप देख रहे हैं ये इसको अपराजिता बोला जाता है। इस प्लांट का जो बॉटनिकल नेम है वो है क्लाइटोरिया टर्नेटिया जो कि लेगुमिनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। आइए इस प्लांट को और पास से देखते हैं। इसको बटरफ्लाई पी भी कहा जाता है और इसके रूट सीड्स लीव्स फ्लावर सभी को इसको यूज किया जाता है और इस प्लांट को भी ऐसा मेमोरी एनहांसर यूज किया जाता है। मींस मेमोरी को इम्प्रूव करता है, थिंकिंग और लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है और इस अपराजिता के फ्लावर को ऐसा टी या कह सकते हैं ब्लू टी के फॉर्म में इसको पिया जाता है। ये क्या करता है, ये हमारे हेल्थ को, क्योंकि इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है तो हेल्थ को इम्प्रूव करता है और बहुत से डिसीज जैसे कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन को ठीक करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है और बॉडी में एनर्जी लेवल को भी बढ़ाता है और वेट लॉस को भी प्रमोट करता है और कॉन्स्टिपेशन और स्ट्रेस से भी रिलीफ दिलाता है और कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करता है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है इस प्लांट का फ्रूट है और इसको हम पॉड बोलते हैं और ये जो है आप देख सकते हैं ये ड्राइड फ्रूट है जिसके अंदर सीड है इस प्लांट का। तो हम आप इसको ओपन करके दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं ये अपराजिता का सीड है, इसको भी ऐसा मेडिसिनली इसको यूज किया जाता है। तो इस अपराजिता में इस बटरफ्लाई पी प्लांट को ऐसा ऑर्नामेंटल प्लांट जो है उगाया जाता है अपने घरों में क्योंकि इसमें बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव फ्लावर होता है ब्लू और पर्पल कलर का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस अपराजिता के अंदर डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिसकी वजह से इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। जो मेन केमिकल्स होते हैं जैसे कि टेरेक्सेरॉल, टेरेक्सेरॉन, अपराजितीन और इसमें डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट डिसीजेस। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, डिफरेंट टाइप्स के स्किन डिसऑर्डर में इसको यूज किया जाता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्किन डिसऑर्डर और स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, डिफरेंट टाइप्स के स्किन डिसऑर्डर, स्किन डिसीजेस को ठीक करने के लिए उसको यूज किया जाता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, एज अ कार्मिनेटिव यूज करते हैं, एंटी बैक्टेरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंजाइटी को कम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, वेट लॉस करने में मदद करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे स्किन के हेल्थ को एनहांस करता है, हमारे स्किन को हेल्दी रखता है, मींस स्किन के हेल्थ को एनहांस करता है, हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। तो ये सब इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हुई अपराजिता की। फ्रेंड्स ये था हमारे मेडिसिनल गार्डन के विजिट का पहला पार्ट जिसमें हमने कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताया, इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स और उसके यूजेस के बारे में। इसी तरह आगे भी और भी जो हमारे मेडिसिनल गार्डन में प्लांट्स हैं उसके बारे में हम बताएंगे इसके नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स में। तो आपको हमारे मेडिसिनल गार्डन का विजिट कैसे लगा उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।